पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 40 साल की हिंदू महिला दया भील की सर काटकर हत्या कर दी गई। खबरों के मुताबिक हत्या से पहले उनका रेप भी हुआ। इस घटना ने एक बार फिर से पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को दुनिया के सामने ला दिया है। पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं की हत्या या धर्मांतरण के सैकड़ों मामले हर साल सामने आते हैं। बिलावल भुट्टो के गृह प्रांत सिंध में घटी इस घटना पर पाकिस्तान के बड़बोले विदेश मंत्री ने चुप्पी साध ली है। पाकिस्तान की एकमात्र हिंदू सीनेटर कृष्णा कुमारी मौके पर पहुंची। उन्होंने घटना का जायजा लिया और इससे जुड़ा एक ट्वीट रीट्वीट भी किया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान में हिंदू महिला की हत्या पर प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पाकिस्तान अपने यहाँ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। हम इस मामले में और जानकारी जुटा रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू होना किसी अपराध से कम नहीं है, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान में 12.9% हिंदू अल्पसंख्यक थे। समय बदला, हालात बदले और 75 साल में हिंदू अल्पसंख्यकों की आबादी भी बदल गई। हिंदुओं की आबादी जहां 1947 में 12.9% थी, वही अब ये आबादी महज 2.14% है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या हालत है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।